Irrindi Nature Reserve, Central Namibia. एक विशाल और सूखा जंगल. ये सूखा सपाट इलाका नामीबिया के पहाड़ी इलाकों के बीच में है. ये अफ्रीका की सबसे सुदूर जगहों में से एक है और साल के इस वक्त यहां पर बारिश नहीं होती. इतने मुश्किल हालातों के बावजूद यहां ढेर सारे जानवर रहते हैं. यहां दुनिया के सबसे अनोखे किस्म के जानवर पाए जाते हैं. और ऐसे शिकारी जीव भी हैं जिन्हें इस वक्त लुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा है. ये है अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स का झुंड, जिन्हें पेंटेड वुल्व्स भी कहते हैं. माना जाता है अब जंगलों में इनकी तादाद सिर्फ 4,500 है. इंसानों की बढ़ती आबादी इनसे इनका कुदरती घर छीन रही है. इनकी हिफाजत के लिए कुछ जानवरों को जीपीएस कॉलर्स पहनाए गए हैं. उन्हें लगातार ट्रैक किया जा सकता है, मगर वो जंगली जानवरों की जिंदगी जीते हैं. ये सभी बहुत अक्लमंद और माहिर शिकारी हैं. मिलकर काम करना इनकी सबसे बड़ी ताकत है. ये साथ मिलकर घूमते हैं, शिकार करते हैं और बच्चों को पालते हैं. इस झुंड के सारे फैसले इनकी मादा मुखिया लेती है, जिसका नाम है ज़ीमा. सात साल की उम्र में उसके राज करने का वक्त खत्म होने वाला है, मगर उम्र के साथ समझदारी बढ़ती है. ये बेहद शांत रहकर मजबूती से फैसले लेती है. ज़ीमा का सेनापति इस झुंड का नर मुखिया है, जिसके साथ वो ज्यादातर बच्चे पैदा करती है. इनके परिवार के नौ जीव अपना पेट पालने के लिए ज़ीमा की समझदारी पर निर्भर रहते हैं. इसलिए जब ज़ीमा शिकार पर जाती है तो सब उसके पीछे चलते हैं. एक डॉग जितनी बड़ी ज़ीमा अकेले उतनी खतरनाक जीव नहीं है. लेकिन उसका झुंड साथ हो तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है. ज़ीमा का शिकारी दल काफी बड़े शिकार को भी थका और हरा सकता है. आज सारे सदस्य बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, शायद इन्हें कहीं पर जरूरी काम से जाना है. पेंटेड वुल्व्स हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन साल में सिर्फ कुछ महीनों के लिए ये एक ही जगह पर टिक कर रहते हैं. इसकी वजह दीमकों के एक खाली घर में मौजूद है. नन्ही लाइका,
यहाँ ऐसे एक महीने के 10 बच्चे हैं। अभी तक इसने अपनी ज्यादातर जिंदगी इस घर में सुरक्षित रहते हुए बिताई है। लेकिन लाइका साबित कर रही है कि वो इनमें से सबसे बहादुर बच्ची है। बाहर की दुनिया एक मजेदार खेल के मैदान जैसी है। अब क्योंकि ये छोटी है तो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। लाइका को अपना ख्याल रखने लायक बनने में कई महीने लगेंगे। एक छोटी बच्ची और उसके भाई बहनों पर ध्यान रखना मेहनत का काम है। लेकिन ज़ीमा को ये काम अकेले नहीं करना पड़ता। पूरा झुंड मिलकर बच्चों का ख्याल रखता है। ये सब बंजारों वाली जिंदगी छोड़कर कुछ वक्त के लिए यहीं पर रुककर इन सभी बच्चों को पालने में मदद करेंगे। नन्ही लाइका पैदाइशी बंजारन है। अभी से बहुत घूमने फिरने लगी है। बड़े ही ध्यान से झुंड के बड़े सदस्यों को देखकर वहां से खिसकने की कोशिश करती है। ये बहुत ही जोशीली बच्ची है और इसको देखकर इसके भाई बहनों को भी हिम्मत मिलने लगी है। इसके अंदर का शिकारी अब जागने लगा है। इसे लगता है कि एक बड़ा शिकार है और ये इसे पकड़ लेगी। अब इसके हिसाब से तो ये बड़ा ही शिकार है। कॉलर डव नाम के पक्षी नामीबिया में जगह जगह पाए जाते हैं। बड़े लोग इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बच्चे इनके सहारे शिकार करना अच्छे से सीख सकते। लेकिन इनके करीब पहुंचकर इन्हें मार गिराना इतना आसान नहीं है। बाल बाल बच गया। लाइका को अभी बहुत कुछ सीखना है, तब जाकर वो घर से निकलकर झुंड के साथ रह पाएगी। लेकिन अभी एक दूसरी परेशानी से निपटना है। ये ब्लैक राइनो इन बच्चों के घर से काफी करीब से गुजर रहा है। इन गुस्सैल जानवरों का वजन 1000 किलो तक होता है और ये पेंटेड वुल्फ को आसानी से कुचल सकते हैं। बड़े जानवर जानते हैं कि उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन लाइका नए पड़ोसी में दिलचस्पी ले रही है। उसे सावधान रहना होगा, भले ही वो छोटी है, लेकिन इस राइनो को उसका भी करीब आना पसंद नहीं आएगा। बड़े खुद आगे जाकर लाइका को वापस ले आए हैं। उन्होंने तुरंत बच्चों को घर में भेजा जहां वो सुरक्षित रहेंगे।
जीमा और बाकी के बड़े सदस्य बाहर राइनो पर नजर रखते हैं। और वो वहां से निकल जाता है। लाइका और उसके परिवार के सामने उस राइनो से ज्यादा बड़ी मुसीबत है। अभी जून का महीना है, हर साल अभी सूखा मौसम शुरू होता है, मगर इस साल थोड़ा जल्दी शुरू हो गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। अगर सूखा पड़ा रहा तो लाइका के जिंदा रहने के आसार आधे हो जाएंगे। इतने सूखे मौसम की वजह से झुंड के बड़ों को दुगनी दूर शिकार करने जाना पड़ता है ताकि दूसरे शिकारी जानवरों से मुठभेड़ ना हो। लाइका और उसके भाई बहन आज बहुत देर से झुंड के बड़ों के बिना घर पर रुके हुए हैं, लेकिन पेंटेड वुल्व्स एक दूसरे की मदद करते हैं। इनके पास एक बेबी सिटर है। ये लाइका का अंकल है, झुंड का एक बूढ़ा सदस्य। अब ये उतने अच्छे से शिकार नहीं कर सकता, इसलिए दिन में बच्चों को संभालने का काम करता है। ज्यादातर वक्त ये बच्चों को मजे से आपस में खेलने देता है। ये शिकार करना सीख रहे हैं, आपस में एक दूसरे से लड़कर ये बच्चे ताकतवर बनते हैं और फुर्तीले भी। और अगर कोई ज्यादा आक्रामक होता है तो अंकल जी उनकी लड़ाई रुकवा देते हैं। ये सिर्फ बच्चों का ख्याल नहीं रखता, यहां पर इसे घर की मरम्मत करने का काम भी करना है। ये जरूरी है कि बच्चों का घर सुरक्षित और मजबूत हो। जोशीली लायका उसकी मदद करने पहुंच जाती है। उसके पैर छोटे हैं, इसलिए काम आसान नहीं है, लेकिन लायका बहुत समझदार है। वो बहुत जल्द ही अपने अंकल को देखकर काम करना सीख जाती है। अब इतना काम करने के बाद भूख तो लगेगी ही। किस्मत से आज इनका इंतजार खत्म होने वाला है। पहले अंकल को पता चला। ये आवाज बाकी के झुंड के शिकार करके वापस आने की है। लाइका की मां जीमा की वजह से ये शिकार करने में कामयाब हुए हैं। अब बच्चे खाना खाकर भूख मिटा सकते हैं। और आज के मेन्यू में है ताजा ताजा मीट। इस झुंड ने घर से काफी दूर जाकर शिकार किया, लेकिन ये जानवर 7 किलो मीट अपने मुंह में रखकर नहीं ला सकते, तो इनके पास खाना लेकर जाने का एक शानदार तरीका है। ये मीट को अपने पेट में भर लेते हैं और घर आकर उसे वापस उगल देते हैं।
खाते खाते बच्चे खींचतान भी करने लगते हैं। जीमा और बाकी के बड़े सदस्य बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खाना खाने के वक्त पर बच्चों को अपनी ताकत साबित करने का मौका मिल जाता है। हर पेंटेड वुल्फ को झुंड में अपनी सही जगह बनानी पड़ती है। जो ज्यादा ताकतवर होगा उसी का झुंड में सबसे ज्यादा दबदबा होगा। लाइका के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसने खाना कुछ ज्यादा ही ले लिया है, इसलिए उसके अंकल थोड़ा खाने आए हैं, लेकिन लाइका ने मना कर दिया। अब बाकी के बच्चों का पेट भरने के बाद ही तुम्हारी बारी आएगी, ठीक है? ऐसे भरपेट खाना खाने के बाद इन जानवरों को बहुत जल्दी नींद भी आ जाती है। लेकिन नींद सिर्फ बच्चों को ही नहीं आई है, लाइका की मां जीमा और बाकी बड़ों ने पूरे झुंड का पेट भरने लायक खाने का इंतजाम किया था, लेकिन हमेशा मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। बहुत जल्द ही लाइका को भी झुंड के साथ शामिल होकर शिकार करने के लिए जाना पड़ेगा। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ी है। खैर, मौसम चाहे जैसा भी हो, पेंटेड वुल्व्स को ज्यादातर दिन में ही शिकार करना पड़ता है। लाइका और उसके भाई बहन 7 हफ्ते के हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी खुद शिकार करने लायक नहीं हो पाए हैं। लेकिन आज इन बच्चों को मजा आने वाला है। ये अपने झुंड के साथ बाहर जा रहे हैं। ये बच्चे पहली बार अपने सुरक्षित घर से थोड़ी दूर तक जाने वाले हैं। लाइका की मां जीमा आगे चल रही है। पेंटेड वुल्व्स अपनी ज्यादातर जिंदगी घूमते हुए ही बिताते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि सारे बच्चे साथ में दौड़ने लायक सेहतमंद हों। मजबूत इरादों वाली लाइका सिर्फ पीछे पीछे नहीं चलना चाहती है, और वो झुंड के आगे जाने लगती है। अब उसकी देखा देखी दूसरे बच्चे भी पीछे दौड़ पड़ते हैं, और जल्द ही पूरा झुंड साथ मिलकर बेहद तेजी से दौड़ने लगता है। वो एक झाड़ियों वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें इस इलाके का अजीब सा दिखने वाला एक निवासी मिलता है। नन्ही लाइका ने अपनी जिंदगी में आज तक इतना बड़ा जानवर नहीं देखा है। ये
ये नर जिराफ उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। पूरे झुंड के यहां आने पर भी ये बिल्कुल घबराता नहीं है। कभी कभार पेंटेड वुल्व्स खुद से काफी बड़े जानवरों का शिकार भी करते हैं, लेकिन इतने बड़े जानवर का शिकार करना उनके लिए थोड़ा सा नामुमकिन होगा। और यह अकेला सफर नहीं कर रहा है। लाइका इन राक्षस जैसे विशाल जीवों को देख रही थी कि तभी झुंड में से किसी को एक बड़े खतरे की बू आती है। जीमा को भी उनकी बू आ रही है। शेर, इन जानवरों के जानी दुश्मन। मौका मिलने पर शेर उनके बच्चों और बड़ों दोनों को ही मार डालते हैं, लेकिन इन खतरनाक शिकारियों के साथ उनके अपने बच्चे भी हैं। पेंटेड वुल्व्स की तरह ही इनमें भी पूरा झुंड मिलकर बच्चों को पालता है। इनके बच्चे अभी शिकार करने के काबिल नहीं है। ठीक लाइका की तरह ही खाने के लिए ये भी अपनी माँ पर ही निर्भर रहते हैं। जीमा और शेरनी दोनों के बीच शिकार के लिए मुकाबला चलता रहता है। और सूखे की वजह से इन दोनों के शिकार आखिरी बचे हुए गिने चुने पानी के साधनों के पास एक साथ जमा होने लगे हैं। इसलिए शेर वुल्व्स के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में आ गए हैं। ये लाइका के परिवार के लिए एक बुरी खबर है। ये इन ताकतवर शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और पहले भी शेरों के झुंड ने इस झुंड के सदस्यों की जान ली है। जीमा को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। अगर ये यहां पर रहे तो ये अपने शिकार गवा देंगे, या फिर अपनी जान भी। सही मायनों में बच्चों को शुरुआत के कुछ महीनों में घर पर ही रहना चाहिए। लेकिन जीमा खतरा नहीं उठा सकती। ये तजुर्बेदार मुखिया कहीं और जाने का फैसला करती है। तो घर पर लौटने के बजाय वो अपने झुंड को जंगल में और आगे ले जाती है। लाइका पहली बार घूमने निकली है और उसका सफर लंबा हो चला है। इस झुंड के बड़ों को लंबी दूरी तक सफर करने की आदत है, लेकिन लाइका और बाकी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें और कितना आगे जाना है। उन्हें आपस में लड़ने खेलने में ज्यादा दिलचस्पी है। लेकिन ये झुंड खेल में वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। वो नहीं चाहते कि उन्हें मजबूरन खुले मैदान में सोना पड़े। इसलिए लाइका को फिर से आगे बढ़ना पड़ता है।
25 किलोमीटर का सफर तय करके वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। एक पुराना घर जहां वो कई साल पहले रुके थे। यहां इनके इलाके की बाहरी सरहद है, पानी भी कम है और शिकार भी बहुत कम मिलेंगे। लेकिन कम से कम ये बच्चे शेरों से सुरक्षित रहेंगे। बारिश अब तक नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों में मौसम बदलने की वजह से नामीबिया में जगह जगह बारिश कम होती जा रही है। इस बार 40 सालों के बाद इतना सूखा मौसम आया है, इसीलिए सभी के लिए यहां पर जीना काफी मुश्किल हो गया है, लाइका के परिवार के लिए भी। हालत इतनी खराब है कि ये पुराने शिकार की हड्डियां चाट रहे हैं। लेकिन कम से कम इनके पास अपना घर तो है। इतने मुश्किल हालातों के बावजूद लाइका और उसके भाई बहन आकार में दुगने हो गए हैं और वो दुगनी ताकत से खेलने भी लगे हैं। लाइका 11 हफ्तों की है, लेकिन अभी से उसमें मुखिया की खूबियां दिखने लगी हैं। वैसे तो सभी बच्चे सेहतमंद हैं, लेकिन लाइका उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये बच्चे इतने सेहतमंद इसलिए हैं क्योंकि झुंड के कुछ सदस्यों ने भूखे रहने का फैसला किया है। पेंटेड वुल्व्स के लिए बच्चे ज्यादा जरूरी होते हैं। और जब खाना इतना कम हो तो उनके अंकल अक्सर भूखे रह जाते हैं। वो होश में नहीं आ पा रहे हैं। ये कुर्बानी देना जरूरी है क्योंकि इसी से अगली पीढ़ी को जिंदा रखने का इंतजाम हो पाएगा। जीमा को अब फैसला लेना पड़ेगा। बच्चों की हिफाजत के लिए घर जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है भरपेट खाना। दूसरी जगह ढूंढनी होगी जहां शिकार ज्यादा तादाद में हो। उसने अपने 7 साल के तजुर्बे का इस्तेमाल किया और एक नई योजना बनाई है। ऐसी एक जगह है जहां पहले भी सूखे मौसम के दौरान उन्हें राहत मिली थी। ये बहुत ही लंबा और मुश्किल सफर है और सीमा पर भरोसा कर सब आगे चल देते हैं। कम से कम नन्ही लाइका और उसके भाई बहन अब थोड़े बड़े हो गए हैं। पहले से तेज
अब वो भी झुंड के बड़ों के साथ साथ दौड़ सकते हैं। बच्चों में ताकत है, लेकिन वो अक्सर नियम नहीं मानते। लाइका को एक नई सी बू आती है। और वो उसके पीछे पीछे झाड़ियों में चली जाती है। जहां उसे एक अजीब सी चीज दिखती है। एक मैराबू स्टॉर्क। ये मरे हुए जानवरों की लाश से पेट भरते हैं। ये पक्षी कभी कभी कद में 1.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। लेकिन लाइका को इससे खतरा नहीं है। फिर भी हालात काफी खतरनाक हैं। अपने मन की सुनकर वो झुंड से दूर हो जाती है। लाइका अगर पीछे छूट गई तो अकेली जिंदा नहीं रह पाएगी। यहां बड़े शिकारियों का बोलबाला है। वो विशाल काय हैं। और तभी बड़ों को एहसास हो गया कि एक बच्चा गायब है। वो भूखे हैं और थके हुए हैं, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये जीव दूर सुनाई देने वाली एक खास आवाज निकालते हैं। ये उसे तभी इस्तेमाल करते हैं जब झुंड के किसी सदस्य को ढूंढना हो। और ये तेज आवाज 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देती है। लेकिन एरिंडी बहुत बड़ा है। लाइका को कुछ सुनाई देता है और वो उस आवाज के पीछे चल देती है। उसका झुंड एक आखिरी बार कोशिश करता है। जीमा को और 9 बच्चों की हिफाजत करनी है। वो अब और ज्यादा देर तक यहां पर नहीं रुक सकती। लेकिन फिर आखिरी पुकार का जवाब मिल ही गया। ये फिर से एक हो गए हैं, लेकिन लाइका को ढूंढने के चक्कर में काफी वक्त बर्बाद हो गया। आज रात इन सबको खुले मैदान में खाली पेट रहकर ही सोना पड़ेगा।
इरिंडी में आज सुबह होते ही एक बेहद अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। ये अजीब आवाज धीरे धीरे तेज होती चली जा रही है। ये है एक क्रिम्सन ब्रेस्टेड श्राइक, बल्कि ये तो दो हैं। श्राइक्स उछल कूद रहे हैं, लेकिन आज थकी हुई लायका की हालत उनसे उल्टी है। वो और उसके भाई बहन उठने की जल्दी में बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन जीमा सबको उठा देती है और झुंड के सभी सदस्यों को साथ लेकर फिर से सफर पर निकल पड़ती है। काम मुश्किल है, लेकिन पेंटेड वुल्व्स जिंदगी भर सफर करने की काबिलियत रखते हैं। एक भारी आवाज सुनते ही ये सब रुक जाते हैं। हाथी। ये जानवर विशाल है और पेंटेड वुल्व्स का झुंड इनका शिकार नहीं कर पाएगा, लेकिन जीमा इसमें दिलचस्पी ले रही है। हाथियों में भी एक समझदार मादा मुखिया होती है। इसकी उम्र 50 से ऊपर है और इसे बेहद सूखे मौसम में भी अपने झुंड का ख्याल रखना आता है। सीमा रुकी हुई है। हाथी पानी ढूंढने में माहिर होते हैं और वो अपने ठिकानों की जानकारी अगली पीढ़ी के हाथियों को देते हैं। मुखिया जानती है कि उसे कहां जाना है और सिर्फ यही झुंड वहां नहीं जा रहा, इस सूखे इलाके में दूर कहीं से कोई इसकी पुकार का जवाब भी दे रहा है। और इसी चीज का इस्तेमाल करके वो 10 किलोमीटर दूर मौजूद झुंडों से आसानी से बात कर सकती है। ये सब एक ही जगह जा रहे हैं। रेगिस्तान में मौजूद पानी का साधन। ये झुंड भी वहीं चल देता है। जीमा का तजुर्बा इन सब के बेहद काम आया है। इन सबको कब से प्यास लगी थी। आखिरकार बच्चों को तसल्ली हुई। और जहां पानी है वहां शिकार भी होगा।
अब इस झुंड को रहने लायक जगह मिल चुकी है। लेकिन यहां इन्हें बेहद संभल कर रहना होगा। सूखे की वजह से ना सिर्फ इनके शिकार बल्कि दूसरे शिकारी जीव भी यहां जमा हो गए हैं। मगरमच्छ जैसे इम्पाला के बच्चों को दबोच लेते हैं, वैसे ही पेंटेड वुल्फ के बच्चों को भी दबोच सकते हैं। इसलिए यहां झुंड चौकन्ना रहता है। इस खतरे के बावजूद पेंटेड वुल्व्स के झुंड का ध्यान अभी दूसरे ही जीवों पर है। ये नर इम्पाला आपस में लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पेंटेड वुल्व्स का सबसे पसंदीदा शिकार है। ये एक इम्पाला का शिकार करने का बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है। लेकिन यहां बचकर भागने के लिए काफी खुली जगह है और इम्पाला इनसे बहुत तेज होते हैं। इनकी एनर्जी बेकार में बर्बाद होगी। लेकिन हमारी नन्ही लायका को एक बेहतर शिकार दिख गया है। उसकी नजरें इस अकेले वाटर बग पर जमी हुई हैं। बाकी के झुंड का भी ध्यान जाता है। वो लायका के पीछे जाते हैं। इस वाटर बग से पूरे परिवार का पेट भरने लायक खाना मिल जाएगा। लेकिन ये एंटलोप बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं। पैर या सींग का वार जानलेवा हो सकता है। पूरा झुंड उसके बहुत करीब पहुंच जाता है। और बग को पता चल जाता है कि वो इसका शिकार करने आ रहे हैं। सब उसके पीछे भागते हैं। लायका और बाकी बच्चे भी शिकार में शामिल होने आए हैं। वो बड़ों को देखकर शिकार करने का तरीका सीखेंगे। चारों तरफ फैलकर ये वाटर बग को घेर लेते हैं।
पूरे झुंड का बहुत फायदा हुआ है और लाइका के लिए ये सबसे अहम पल है। भाई बहन आज पहली बार अपनी जिंदगी में ताजा मीट खा रहे हैं। ये काफी हिम्मत जुटाकर और दो बार सफर करके यहां पर आ पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा खाना खाने का मतलब है कि वो अब बड़ी होने की राह पर निकल पड़ी है। अब लाइका झुंड के कदम से कदम मिलाकर चलने और दौड़ने लायक हो गई है। जल्द ही अपने परिवार के साथ शिकार भी करेगी। ये एक छोटी और कमजोर बच्ची से मजबूत और मिलकर काम करने वाली शिकारी बन गई है। अब ये वैसी बिल्कुल नहीं रही जब ये छोटी थी और बचपने में थी। इसकी पीढ़ी अब इस प्रजाति के भविष्य की नई उम्मीद बन गई है, और अगर लाइका इस पीढ़ी का हिस्सा है तो इनका भविष्य अच्छा ही होगा।